बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल ऑल इन वन में आपको सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एयरड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू रिमोटली आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर में, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका नाम है एयरड्रॉइड। ये एप्लीकेशन है जो मैंने ओपन की हुई है। देखें, ये 10 मिलियन इसके डाउनलोड हैं और इसकी अच्छी खासी रेटिंग है। तो ये मैंने इंस्टॉल की है। तो चलो चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ होगा इंटरफेस। उसमें आप जाएंगे मी में, यहाँ पे ऊपर होगा टैप टू साइन इन, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और मैं अब साइन इन कर रहा हूँ। ये मेरा साइन इन हो गया है। अब हम देखेंगे कि मोबाइल को कैसे एक्सेस करें डेस्कटॉप या किस पे। अब मैं यहीं पे अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगा और इसमें आप जाएंगे सीधा एयरड्रॉइड पे। चलिए ऐसा करते हैं, आपको लेके चलता हूँ। एयरड्रॉइड वेब पे आप जाएंगे, यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे एयरड्रॉइड। ये है एयरड्रॉइड क्रोम वेब स्टोर। सो ये है डेस्कटॉप के लिए एयरड्रॉइड वेब। यह web.airdroid.com इस वेबसाइट पे हम जाएंगे। यहाँ पे आपके जो साइन अप किया था वहाँ पे अपनी आईडी पे, तो वही सेम आईडी आप यहीं पे साइन इन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उस पे आप, मैंने ये साइन इन करने के बाद ये साइन इन कर लूँ। ऑथेंटिकेशन करेगा। ये देखें मेरे मोबाइल से कनेक्टेड हो रहा है और ये देखें ये आ गया सैमसंग। मेरा मोबाइल, इसकी स्टोरेज कितनी है वो सब कुछ है। इसमें आप अपनी जो फाइल्स हैं वो आप अपनी ऐड भी कर सकते हैं, अपनी पिक्स डिलीट भी कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल चोरी हो गया है उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं और अपनी जो पिक्स हैं वो अपने डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप हर चीज़ की एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल में से। तो अगर आपको, चले देखते हैं कि हमें जो है ना कॉल्स लॉग चाहिए, तो यहाँ पे सारी कॉल्स डिटेल आ जाएंगी। ये देखें, ये सारी कॉल्स डिटेल आ जाएंगी आपके पास। और इसी वजह से आप अपनी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अपने मैसेजेस देख सकते हैं। ये मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस बॉक्स है ये वाला, और इससे आप अपनी कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा। अगर आप किसी का भी
कर सकते हैं, तो उसकी आप लोकेशन और कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जैसे ये देखें सेम शो हो रही है। तो ये तो हो गया मोबाइल में, ये आपका लैपटॉप में आप या किसी में आप उसको एक्सेस करेंगे। अब चलते हैं कि आप अपने एयरड्रॉइड में जाएंगे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और आप चाहते हैं कोई नोटिफिकेशन भी ना आए, किसी को पता भी ना चले, तो आप जाएंगे सेटिंग में, उसके बाद आप जाएंगे जर्नल में, उसके बाद आप जो है रिमोट वेकअप इसको ऑफ़ कर देना है और कीप स्क्रीन अवे इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है। डिम द स्क्रीन इसको भी ऑफ करना है। रिक्वायर कंफर्मेशन इसको भी आपने ऑफ़ करना है। रिमोट ट्रांसफ़र इसमें आपने आस्क मी एवरी टाइम ये आप नेवर अलो। अच्छा ये ट्रांसफ़र में जो फिर फाइल आप ट्रांसफ़र करें उसमें आपको ये पूछेगा, तो इसमें भी आप नेवर अलो कर दें। ऐसे कोई भी पूछेगा नहीं कि आप फाइल ट्रांसफ़र करें कि वो उस टाइम पे। ये हो गया। उसके बाद कनेक्शन अलर्ट्स इसमें आपको ये दोनों जो है ना वो करने हैं, नहीं तो आपको जो जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपका एरो दिखाई देगा और आपको कहेगा कि आपका मोबाइल जो है ना वो रिमोटली कनेक्टेड। ट्रिगर नोटिफिकेशन व्हेन कनेक्ट इसको ऑफ कर देना है। प्ले साउंड व्हेन कनेक्टेड अब जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे थ्रू वेब के तो ये कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा, तो इसको आप बैक कर लेते हैं और आप इसको ऐप को भी हाइड कर लें यहाँ से। सॉरी इसको ऑफ कर दें। हाइड एप्स डन। तो ये आपका यहाँ से बिल्कुल जो है ना वो गायब हो गया। अगर चले हम यहाँ से एक्सेस करके देख लेते हैं। ये रिकनेक्ट करते हैं हम। ये कनेक्ट हो गया और उसी में मैं कॉल्स में जा रहा हूँ आपको। अच्छा ये देखें सारी कॉल्स की डिटेल आ गई, सारी मैसेजेस की, और अब आपको यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा मोबाइल में से। अब आपको आपका मोबाइल रिमोटली एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।